एक्सपोज्ड बोला जाएगा ये प्लेस को देख के. सो दिस इज द बूट कैंप ऑफ रेवन. अली बाबा रेडर्स के बूट कैंप को शूट करने वो अभी करने जा रहे हैं फाइनली. तो गाइज आज है 10th मार्च और आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में. तो भी मैं जा रहा हूँ अली बाबा रेडर्स के बूट कैंप पे. मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं नित्या और ईश. हम निकल रहे 6 बजे के आसपास और खारगढ़ जाना है हमें उनके बूट कैंप पे. सो फर्स्ट टाइम मैं कोई बूट कैंप पे जा रहा हूँ. लेट्स सी बूट कैंप का एक्सपीरियंस कैसा होता है. बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ सारे प्लेयर्स लोगों से. आई मीन इसके पहले जब मैं इनको मिला था ये था अहमदाबाद में. अहमदाबाद के बाद आज सारे प्लेयर्स एक साथ इकट्ठे होंगे एक ही बूट कैंप में. तो अभी मैं फटाफट रेडी होता हूँ और निकलते जरा बूट कैंप ले. उसके बाद बिफोर आफ्टर डालूंगा तुम्हें. शक्ल उसकी ठीक है. मेकअप विद ईश. अभी कलर क्या कलर सॉरी व्हाट कलर करेक्टर. हाँ तो अभी कलर करेक्टर लगा रही हो. ओके इसके बाद फाउंडेशन नहीं इसके ऊपर हम कंसीलर लगाएंगे. और उसके बाद मैं भूत लग रही हूँ मैं. अरे बता मैं को मेरे ऑडियंस को बताना है मेकअप कैसे करते हैं. नहीं फाउंडेशन फाउंडेशन नहीं लगाती मैं. बस मैं कंसीलर लगा लेती हूँ अपने डार्क सर्कल जो इतने ऐसे गुड्ढे हो रहे हैं मुझे वो छिपाने के लिए. ओके उसके बाद ब्लश लगाएंगे क्यूट क्यूट. हाँ. उसके बाद काजल लगाएंगे क्यूट क्यूट. उसके बाद लिपस्टिक लगाएंगे क्यूट क्यूट. उसके बाद हाईलाइटर. बस क्या मतलब उसके बावजूद तेरी शक्ल खराब दिखने वाली है. क्या बात है सर क्या बात है सर. मुझे तो अभी भी सही लग रही है. ऐसे 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 इतना पास से कौन शूट करता है किसी को भाई. मैनेजर साहब मैनेजर साहब ये जो धक्का दिया है इसने मुझे. कैसे हो सर. अली बाबा रेडर्स के बूट कैंप पे है. उसके पहले हम मैं आपको एक रेवेनेंट का बूट कैंप दिखाता हूँ. लाइक ये तो ऑल ऑफ अ सडन प्लान बन गया. आई हैव सेंसर विद मी सो आई विल शो यू द बूट कैंप ऑफ रेवेनेंट. ये कुछ बोलना चाहेगा ये प्लेस को देख के. सो दिस इज द बूट कैंप ऑफ रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स. एज यू ऑल नो आरएनटी आवर आईजीएल सेंसे द ओजी सेंसे से मिले नहीं तो मिलाते सेंसे से. मतलब कम्युनिटी का सबसे बकचोद बंदा अगर मेरे को लाइफ में कभी कोई मिला है ना दैट इज आरएनटी सेंसे. मैं ऑल्दो मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ रेवेनेंट के बूट कैंप. बुलाता नहीं है मेरे को आराम ज्यादा शो बिजनेस. गाइस अभी फर्स्ट टाइम बूट कैंप देख रहा हूँ. आई थिंक इट्स रियली क्रेजी. कौन आइटम हमारा बड़ा है उधर बता तेरी जगह होता ये बढ़िया है बहुत दिमाग से लिया मैं. कोजी नहीं तो एसी सीधा मुंह पे नहीं आता और अगर तुम फोन भी चला दो तो कोई देख नहीं सकता. देख रही है होता है बहन चोद पोत्री क्रेजी ब्रो. भाई स्क्रीनिंग रूम लेकिन जब भी ऐसा किसी को बोलते ना कि मारो तो नहीं होता. अरे ये लो अरे मार दिया. सभी प्लेयर्स आए गॉब्लिन एंड देन सेंस इज देयर. अभी हम जाएंगे अली बाबा रेडर्स के फाइनली बूट कैंप पे. वहाँ पे दूसरे लोग रुके हैं पता नहीं चांसेस है कि नहीं क्योंकि अभी लेट हो गया है. शायद से वापस आना पड़ेगा हमें इनके बूट कैंप पे चेक करने के लिए. लेकिन अभी हमने आरएनटी का बूट कैंप देखा लकीली सेंसे की वजह से हो गया हो एंड आई गेस वापस आना पड़ सकता है. थैंक्स सेंसे बूट कैंप के टूर के लिए. थैंक्स मैम. जिसके लिए हम फाइनली आए थे अली बाबा रेडर्स के बूट कैंप को शूट करने वो अभी करने जा रहे हैं फाइनली. दिस इज आवर बूट कैंप लाइफ.
और ये है स्पून बॉल, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रीमिंग रूम गाइस, यहाँ हम स्ट्रीम करते हैं। क्या बात है यार, ये हमारा सेटअप है, ये एक सेटअप है, ये दूसरा सेटअप है, ये यहाँ पे हम मैं बेसिकली ओमी टीवी का कंटेंट बनाता हूँ। ओमी टीवी, हाँ ओमेगल टाइप, वैसे मैं कंटेंट शूट करता हूँ यहाँ पे। क्या बात है, जो कि बहुत जल्दी यूट्यूब पे आएगा एक वीडियो, ठीक है। ये देख लिया, अब हम तुमको ना सबसे अच्छी जगह लेके चलते हैं बूटकैंप की। ओके आओ। सो दिस इज द रूम ऑफ हेड ऑफ ऑपरेशंस, ये उनका रूम है। ये इज इनसाइड आई गेस बेसिकली। तुम यहाँ सोते हो? मैं यहाँ सोता हूँ, सुबह यहाँ सोता है, हाँ। क्रिस यहाँ सोता है, रोमन यहाँ सोता है, राल्फ यहाँ सोता है, वीडियो आएगा तो यू यहाँ सोता है। गाइस प्लीज डोंट माइंड, ये हम एक्चुअली बहुत गलत टाइम पे आए के बूट कैंप में, क्योंकि ये वही ऑलमोस्ट सोने का टाइम है, मीटिंग टाइम है तो इसके लिए इतना टाइडी नहीं है। अदरवाइज लोग डेफिनेटली टाइडी रखते होंगे शायद तक, वरना बहुत टाइडी रहता है भाई। दिस इज अ प्लेइंग रूम, वन ऑफ दी प्लेइंग रूम, मतलब प्लेयर्स को अलाउड नहीं है बंक बेड पे खेलना। अच्छा, तो ये कॉमन रूम है? ये कॉमन रूम, हां ये कॉमन नहीं, दिस इज गेमिंग रूम, लाइक यहां पे बैठ के चारों प्लेयर साथ में खेलते हैं, दिस रूम इज डेडिकेटेड टू दैट। अभी यहाँ पे भी सेटअप मंगा रखा है। अच्छा, ये तो अभी तुमने नया नया लिया है ना बूट कैंप? अभी तो बनना बाकी है पूरा, अभी तो पूरा सेटअप वगैरह सब मंगा के रखा है, अभी सब सेटअप होगा, ठीक है। मेन पार्ट गाइस, गाइस कट कट जिसको नहीं जानते, जानने लायक भी नहीं है। फरदीन भाई, फरदीन अहमद। तो ये है अली बाबा रेडियंस का बूट कैंप गाइस, बहुत क्रेजी। अच्छा, डेफिनेटली बहुत अच्छा बूट कैंप है। अभी रिसेंटली लोगों ने अभी ये रिसेंटली इन्होंने ये प्रॉपर्टी एक्वायर किया है, बट आई गेस डेफिनेटली इनको थोड़ा टाइम मिलेगा तो ये लोग और भी अच्छा करेंगे। एंड क्या कर रहा है, बैकपैक भाग रहा है? एंड ऑब्वियसली जो आपने अभी आर एन टी का बूट कैंप देखा, इट इज बिकॉज ऑफ अक्की। अक्की एंड सेंसे आर रियली गुड फ्रेंड, एंड स्वीट हार्ट, वो कभी किसी को ना नहीं बोलता किसी चीज के लिए, जाने मन है वो सेंसे। यस डेफिनेटली, तो ये था अली बाबा रेडर्स का बूट कैंप गाइस। अब हम जाएंगे घर, फाइनली हम जा रहे हैं। होता ना प्लान, तो हम अप्रस के बूट कैंप भी जा सकते थे, आने वाले दिनों में जाएंगे डेफिनेटली। हाँ, एक दिन अपने सीजी का बूट कैंप चलेंगे लेके, कार्निवल गेमिंग के, जिसमें गोब्लिन एक्टर ये लोग सब लोग हैं। ओके, तो वहाँ पे भी शूट करने में तो मजा आएगा। क्या बात है, अमन, हाउ डू यू फील अबाउट दिस बूट कैंप? यार एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अलीबाबा रेडर्स का बूट कैंप इतना अच्छा रहा, जेन्युइनली मुझे लगा कि जस्ट नॉर्मल लोगों ने एकदम यू नो बेसिक किया रहेगा, बट आई थिंक अभी जस्ट ये लोगों ने प्रॉपर्टी एक्वायर किया, तुम लोगों ने ऑब्वियसली धीरे धीरे बनता है। तुमने अभी दिखाया मुझे क्या बोलते हैं वो आर एन टी का नहीं, तुम लोगों ने अभी जो दिखाया ना मुझे अभी गीगाबाइट का सेटअप, राइट, पूरा सेटअप अभी सेट होना है। आपने अभी जैसे नीचे देख पा रहे का क्लिप देखा होगा यहाँ पे इनका कंप्यूटर का क्या था वो स्ट्रीमिंग रूम क्या क्रेजी बना कर रखा है। एक्चुअली मैं आर एन टी का डेफिनेटली बहुत अच्छा था, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है वो, बट आई गेस अभी फिलहाल हमने उतना एक्सपेंड नहीं करा है, धीरे धीरे फ्यूचर में एक्सपेंड करेंगे, अगर जब कॉन्टेंट क्रिएटर्स आएंगे तब शायद हम एक बड़ा बूट कैंप सोचेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ बीजीएमआई की लाइनली बहुत अच्छा है, एंड ऑब्वियसली आर एन टी से नहीं कंपेयर कर सकते, बट बीइंग अ टी1 टीम लाइक यू नो अभी ग्लिचेक्स ये बनी है, अली बाबा रेडर्स बनी है, सो इट्स जस्ट अ थिंग आई ऑल इन ऑल इट्स अ फेयर या इट्स अ फेयर डील आई गेस। तेरा ये एक्सपीरियंस तेरे को अच्छा लगे? बट अभी आने वाले टाइम में अगर आपकी भाई का हमारे पास हाथ रहा सर पे, तो डेफिनेटली और भी आप लोगों को मैं बूट कैंप के ग्लिम्स दूंगा।
ट्राई किया है मेरा 100% आरएनटी का जितना भी लेना चाहिए था. मैंने मेन मेन बूट कैंप तो मैंने बिट्स एंड पीसेस लिए हैं, अब ऑब्वियसली पूरा भी नहीं ले सकते थे, बट एनीवेज नाइस बूट कैंप गाइस, थैंक यू, नाइस बूट कैंप. ओके तो गाइस घर पहुंच गए, 3:10 हो रहा है. बाय द वे गाइस, जो आरएनटी का बूट कैंप था वर्सेस जो अलीबाबा राइडर्स का बूट कैंप है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है फॉर ऑब्वियस रीजंस. आरएनटी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अलीबाबा राइडर्स अभी जस्ट लेवल अप हो रहा है, T1 टीम हो चुकी है ऑब्वियसली. ऐसा नहीं था कि उनका बूट कैंप डेफिनेटली अच्छा ही था, ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि कोई बूट कैंप अच्छे नहीं होते, इट्स जस्ट दैट दे आर अपग्रेडिंग इट स्लोली एंड स्टेडली. आई होप आपको ये बूट कैंप वाला व्लॉग पसंद आया होगा. ऑल थैंक्स टू आकाश, बिकॉज आकाश की वजह से मैं इतने सारे प्लेयर्स को मिल पा रहा हूँ. आने वाले टाइम में मैं शायद और भी बूट कैंप्स में ऐसे व्लॉग करूंगा, एंड आई ट्राई टू गेट इट मोर डिटेल. एक्चुअली प्लेयर्स की प्राइवेसी होती है, इसलिए मैं एकदम डिटेल में भी शूट नहीं कर सकता, बट जितना मुझसे होगा मैं डेफिनेटली शूट करूंगा, एंड आई गेट यू द बेस्ट बूट कैंप एक्सपीरियंस. बिफोर आई एंड दिस व्लॉग, अ स्पेशल थैंक्स टू सेंसे, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको बूट कैंप का एक अच्छा सा टूर दिया, एंड क्या एग्जैक्टली एक बूट कैंप में होता है उसने उसका एक बेसिक आइडिया दिया. सो ऑल थैंक्स टू सेंसे. यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. अंटिल देन, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग.